हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मिनी है और मेरा जन्म हुआ है अपनी शहजादी यानी कि मेरी बेटी, उसकी सारी डिमांड्स को पूरा करना। तो उसकी ही एक पसंद की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यूँ तो हम सभी ने हमेशा सोया वेजिटेबल कीमा खाया होगा, लेकिन आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूँगी वो है गोभी वेजी कीमा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। एक पैन लेकर उसमें सबसे पहले हम 2 टेबलस्पून जितना ऑयल डालेंगे। जैसे ही ऑयल हीट करेगा उसमें सबसे पहले हम साबुत मसाले डालेंगे। एक तेज पत्ता, एक मोटी इलायची, 4 से 5 काली मिर्च, 2 लौंग और 1 इंच जितनी दालचीनी। इसे डालकर आप 1 मिनट के लिए भून लीजिए, जिससे ऑयल में इसका सारा फ्लेवर आ जाए। अब हम इसमें ग्रेट की हुई 1 कप जितनी फूलगोभी डालेंगे। जनरली जो वेजिटेबल कीमा बनता है वो सोया से बनता है, लेकिन हम सोया से नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर हम फूल गोभी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जरूर ट्राई करें ये रेसिपी, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसे डालकर हमने धीमी आंच पर लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भुनना है। गोभी हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसे अलग निकाल लेंगे। यहाँ मैंने 3 प्याज को लेकर उसे स्लाइसिस में कट कर लिया था। इसे डालकर हमने 15 से 20 लहसुन और 1 इंच अदरक को मैंने रफली चॉप कर लिया था, साथ ही साथ 2 हरी मिर्च को भी रफली चॉप कर लिया है। अनियन हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इन्हें ठंडा करके इसका पेस्ट बना लेंगे। जिस पैन में मैंने अनियन को फ्राई किया था उसी पैन में थोड़ा सा ऑयल बच गया था, उसी में हम अपने टमाटर के पेस्ट को रेडी करेंगे। 1/2 टेबल स्पून जितना सॉल्ट डाल, तीखा करने के लिए और हल्का कलर देने के लिए यहाँ मैं देगी मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप मसाले और ऑयल अपनी टेस्ट एंड हेल्थ के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लें। अब इसे डालकर हमने तब तक भुनना है जब तक हमारे टमाटर ऑयल नहीं रिलीज कर जाते। टमाटर हमारे पक चुके हैं, इन्होंने ऑयल रिलीज कर दिया है। अब इस स्टेज पर हम उस पेस्ट को डालेंगे जो हमने पीसा था, अनियन, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का। अब इसे डालकर हमने अच्छे से इसे मिक्स करना है टमाटर के साथ और 1 से 2 मिनट इसे पकाना है। एज अ सिंगल पेरेंट बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ती है, पर सबके पास एक अच्छी फैमिली नहीं होती है। मेरे पास मेरी मदर है जो मेरा बहुत सपोर्ट करती हैं। मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपनी बेटी की सारी जितनी भी नीड्स हैं उसको पूरा कर सकूँ, हमेशा अपनी रख लग। मसाला हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसमें दही डालेंगे। इसकी रिचनेस को बढ़ाने के लिए यहाँ 3 टेबल स्पून जितनी मैं दही ऐड कर रही हूँ। दही को मसाले में अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून जितना सूखा धनिया पाउडर डाल रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून जितनी टर्मरिक पाउडर डाल रही हूँ। इसे डालकर हमने अच्छे से दही के साथ ही भून लेना है। चलिए, बहुत ही बढ़िया ढंग से हमारा मसाला भुन चुका है, इसके अंदर बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब हम 1/2 कप जितने बॉयल किए हुए मटर डालेंगे। यहाँ मैंने फ्रोजन मटर लेकर उसे 5 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था, अब हम उसे डालेंगे। इसे 2 मिनट मसाले के साथ अच्छे से भूनेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, मटर हमारे मसाले के साथ भून चुके हैं। अब हम इसमें 1 ग्लास जितना गुनगुना पानी, अब इसे डालकर हमने ढककर 5 मिनट के लिए पकाना है, जिससे जो हमारी ये ग्रेवी है वो पक जाए अच्छे से। ग्रेवी हमारी रेडी हो चुकी है, अब हम इसमें उस गोभी को डालेंगे जो हमने भुनी थी। अब इसे डालकर हमने ढककर 5 मिनट के लिए इसे पकाना है, जिससे गोभी, मटर और ग्रेवी हमारी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब गैस का फ्लेम ऑफ करने से पहले यहाँ मैं 1/2 टेबल स्पून जितना रोस्टेड कसूरी मेथी पाउडर डाल रही हूँ, साथ ही साथ 1/2 टेबल स्पून ये मेरा घर का पिसा हुआ गरम मसाला है, अगर आपके पास मार्केट का हो तो आप उसे भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ 2 टेबल स्पून जितना फ्रेशली चॉप हरा धनिया डाल रही हूँ। इसे डालकर आप एक बार अच्छे से मिक्स कर लें और गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। तो लीजिए, रेडी है गोभी वेजिटेबल कीमा। इसे आप गर्मा गर्म रोटी, नान या पराठे के साथ सर्व करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर किया करें।